तकरीबन 88 रुपीज़ पर बॉट है। सही, ये जिनको है ये 92 रुपए है, ये एन टाइप है। एन टाइप एक एसी, उसके साथ आप फ्रिज भी चला सकते हैं, उसके साथ आप पानी की मोटर भी चला सकते हैं। इनकी कोई वारंटी वगैरह है? जी इनकी वारंटी 10 साल वारंटी होती है, ये ए ग्रेड के हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ हैं। इधर 545 550 वाले 4 बड़े पैनल लगते हैं। ये तकरीबन अगर किसी को फ्रिज चलाना है, लाइटें पंखे वगैरह चलानी है, तो उसके लिए ये बेहतरीन है। सही, इसके अंदर ये पीवी 3000 यानी 3000 सपोर्टेड है। इसके अंदर जो बड़े वाले पैनल हैं वो 6 लगेंगे। के साथ यहाँ पे खुर्शीद फैन भी आपको नजर आ रहे होंगे, एसी डीसी फैन है जो यहाँ पे जी लगा हुआ है। एक सैंपल, ये फिनिक्स की TX 2500 है, जो कि 230 एम्पेयर की बैटरी है। तो बैटरी ब्रेकर भी है, एसी और डीसी ब्रेकर भी हमारे पास मौजूद है, जो कि 40 एम्पेयर, 63 एम्पेयर और 32 एम्पेयर में मौजूद है हमारे पास। 6 mm का वायर है, जो कि 2 kW, 3 kW, 4 kW के जो सिस्टम होते हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाए थे सोलर, उससे रिलेटेड फैंस और रूम कूलर। तो अब रह गया था भाई इन्वर्टर, तो इन्वर्टर भी तो जरूरी है ना। तो आज की मेरी वीडियो जो है वो इन्वर्टर से रिलेटेड है और बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आज की है। तो आपको एंड तक देखना है और लोकेशन भी आपको वीडियो के बीच में पता चल जाएगी। तो फिर मेरे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। जुबैर भाई हमारे साथ मौजूद है और जुबैर भाई सोलर पैनल से स्टार्ट करते हैं, तो चले आप जल्दी से बता दें कि ये कितने वाट के क्या है। नहीं नहीं ये लॉन्जी है। सही, ये तो तकरीबन 88 रुपीज़ पर वाट है। सही, ये जिनको है ये 92 रुपए है, ये एन टाइप है। एन टाइप है जी। इसके प्राइस बता दें आप मुझे। लॉन्जी के प्राइस 555 वाट की, ये 88 रुपए पर वाट है, जो जबकि पूरा पैनल जो है 48,800 रुपए का पड़ेगा। 48,800 का ये एक पैनल पड़ेगा। इसमें तकरीबन ये एसी वगैरह चीजें चल सकती हैं इसमें आराम से? नहीं, अगर इसको एसी अगर चलाना चाहेंगे तो कम से कम ये बड़े पैनल 6 पैनल लगाने पड़ेंगे, तब जाके 1 टन का एसी आराम से चलेगा। 6 पैनल ऐसे लगाने पड़ेंगे जी एसी के लिए? एक एसी, उसके साथ आप फ्रिज भी चला सकते हैं, उसके साथ आप पानी की मोटर भी चला सकते हैं। लेकिन अगर 1 टन का एसी आपके पास इन्वर्टर है या सादा है, तो कम से कम भी आपको 3 kW का, जिसके अंदर ये 6 पैनल लगते हैं। 6 पैनल लग जाएंगे ना? सही। और उसके साथ जो है ये वाला, ये जिनको एन टाइप है, जो 92 रुपए पर वॉट है, इसके पूरे पैनल की जो कीमत है वो 52,900। 52,000 है। और इसी के साथ ये भी, इसके साथ ये जो पैनल है ये 545 JA का पैनल है। सही, ये भी पी टाइप है, ये 85 रुपए पर वॉट है, जबकि इसके पूरे पैनल की जो कीमत है वो 46,325 रुपए। सही। अच्छा ये बताएं कि इनकी कोई वारंटी वगैरह है? जी इनकी वारंटी 10 साल वारंटी होती है, ये ए ग्रेड के हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ हैं। अच्छा तो इनके साथ मतलब स्टैंड के साथ होते हैं या विदाउट? विदाउट नहीं, ये विदाउट स्टैंड है, स्टैंड आपको अलग से लेना पड़ेगा। स्टैंड 14 गेज का और 16 गेज का होता है। 16 गेज की जो कीमत है वो 3,500 रुपए, और 14 गेज का अगर आप स्टैंड लेते हो तो 5,000 रुपए का एक स्टैंड, जिस पर 2 पैनल आप आसानी से रख सकते हैं। रख सकते हैं भाई। अच्छा पैनल की बात तो हो गई, अब हम आ जाते हैं इन्वर्टर्स की तरफ। तो इसमें बताएं इसमें इन्वर्टर्स कौन से लगेंगे? इन्वर्टर्स की तरफ आ जाते हैं तो हमारे पास सबसे पहले ये इन्वरेक्स है। इन्वरेक्स 1 kW यानी ये 1200 वाट तकरीबन बिजली बनाता है। इसके अंदर 545 550 वाले 4 बड़े पैनल लगते हैं, और ये पूरे आपको 1 kW बिजली बनाकर देता है। उसके बाद अगर उससे थोड़ा बड़ा अगर सेटअप लगाना है तो ये 2.5 वेरॉन 2 25,000 2500, ये जो है ये तकरीबन अगर किसी को फ्रिज चलाना है, लाइटें पंखे वगैरह चलानी है, तो उसके लिए ये बेहतरीन है। सही। इसके अंदर ये पीवी 3000 यानी 3000 सपोर्टेड है। इसके अंदर जो बड़े वाले पैनल हैं वो 6 लगेंगे। 6 लगेंगे जब जाके ये पूरे 2500 वाट बिजली बनाकर आपको देगा। सही। अच्छा ये जैसे आप कह रहे हैं कि इतने बिजली 2500 वाट बना के देगा, तो उसके लिए इतने पैनल वगैरह होना जरूरी है तो ये बना के देगा जी? या अगर कम लगे हुए हो तो? कम लगेंगे तो फिर वो बिजली कम बना के देगा, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है यानी इसके ऊपर 2500 लिखा है, तो आपको टोटल 2500 अगर चाहिए तो कम से कम आपको 3000 के
पैनल जो है वो 3000 वॉट के पैनल आपको इसके अंदर लगाने पड़ेंगे, तब जाके ये 2500 वॉट बिजली बनाकर आपको देगा। सही है, जैसे 1200 हो गया, 2500 भी उससे ज्यादा का आ गया। जी जी, उससे ज्यादा का ही। अगर किसी को एसी चलाना है, फ्रिज के साथ मोटर के साथ एसी चलाना है, एक टन का एसी, तो उसके लिए वेरॉन 2 3200। सही। अच्छा ये बता दो, इसके क्या प्राइस हो जाएंगे, इसके क्या प्राइस? अभी जो मार्केट में इसके रेट चल रहे हैं वेरॉन के, 1212 कहते हैं इसे, इसके 78,000 है, जबकि ये 96,000 और सबसे नीचे ये 175,000। सही, तो ये तो बड़ा ही लंबा खर्चा आ रहा है भाई। यहाँ क्या पर हम आपको जो क्वांटिटी दिखा रहे हैं वो ज्यादा क्वांटिटी के हवाले से दिखा रहे हैं, ये नहीं कि आप सोच रहे हो 2 फैन और चलाने हैं तो ये 90,000 का, 1.5 लाख का है, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली अगर इससे रिलेटेड मेरी पिछली वीडियो जरूर मौजूद है मेरे चैनल पे, आप वो देख के इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसी के नीचे जो आ रहे हैं, मतलब जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं तो इनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। ये इनवेरेक्स में यूकॉन मॉडल है, ये 3.2 है, यानी जितना ये वेरॉन 3200 है उतना ही है यूकॉन 3.2 है। सही। इनकी कीमत में थोड़ा सा फर्क है, जैसे ये वेरॉन के अंदर 175,000 रुपीज है तो यूकॉन के अंदर 155,000, 1,55,000 रुपए। कंपनी का फर्क है? नहीं, कंपनी का फर्क नहीं है, सिर्फ मॉडल का फर्क है। कंपनी दोनों की सेम ही है, एनवरेक्स ये मॉडल है वेरॉन 2 और ये मॉडल है यूकॉन। सही सही। और इसके नीचे जैसे ये आ रहा है, इसके नीचे 5.2 है। सही। इसी के साथ ये छोटे, हाँ ये 2500 तकरीबन, ये 1600, ये क्राउन का 2500 VA है, ये रिलेवो, ये तकरीबन 1600 वॉट बिजली बनाता है, जिसके घर का लोड तकरीबन 1200-1400 हो तो उसके लिए ये बेहतरीन है। ये छोटे पैनल सपोर्ट करता है, इसके अंदर आप बड़े पैनल इंक्लूड नहीं कर सकते, ये छोटे पैनल तकरीबन छोटे यानी 170-180 वॉट के जो पैनल्स हैं वो तकरीबन 8 लगेंगे। जी ये जो पैनल्स हैं ये तकरीबन 8 पैनल इसके अंदर आप लगा सकते हैं, इस तरह के 8 पैनल्स के लिए ये वाली बैटरी जो है हमने दिखाई थी 2500 वाली, ये वाली आप इस तरह से इसमें लगा सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे खुर्शीद फैन भी आपको नजर आ रहे होंगे, एसी डीसी फैन है। जी एसी डीसी फैन है, ये आइकन मॉडल है, इसके जो रेट है 8,800 रुपए से, ये यानी कि सैंपल भी यहाँ पे लगा हुआ है, एक सैंपल। चलो जी, अब ये बात तो हो गई इन्वर्टर, अब मामला आ जाता है बैटरी का। ये बैटरी है यहाँ पर जैसे ये है, जी ये फिनिक्स की TX 2500 है, जो कि 230 एम्पीयर की बैटरी है और ये 66,500 की है, 66,500 की बैटरी है। सही। इसकी एक साल वारंटी है, रिप्लेसमेंट वारंटी होती है इसकी एक साल। जी जुबैर भाई, अच्छा ये ब्रेकर वगैरह भी है यहाँ पर? जी ब्रेकर हमारे पास दो कंपनी में मौजूद है, एक स्नाइडर है और एक चिंट है। स्नाइडर में हमारे पास बैटरी ब्रेकर भी है, एसी और डीसी ब्रेकर भी हमारे पास मौजूद है, जो कि 40 एम्पेयर, 63 एम्पेयर और 32 एम्पेयर में मौजूद है हमारे पास। बैटरी ब्रेकर ये जो यहाँ पर मौजूद है स्नाइडर का, ये 125 एम्पेयर का है, उसके बराबर में हम देखते हैं तो ये चिंट का ब्रेकर है, डीसी ब्रेकर है जो 63 एम्पेयर का है, दो पोल का है, उसी के बराबर में अगर हम देखें तो ये चिंट का 40 एम्पेयर का दो पोल का डीसी ब्रेकर है। वायर के बारे में आप थोड़ी डिटेल बताएं मुझे, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये 6 mm का वायर है, जो कि 2 kW, 3 kW, 4 kW के जो सिस्टम होते हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल होता है। अच्छा। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये 185 रुपए फीट है। फीट है। सही। अच्छा आपके बैग पे ये स्टैंड भी है, मेरे ख्याल से ये स्टैंड है। जी ये पहले हमने बात की थी 16 गेज का स्टैंड, ये वो 16 गेज का स्टैंड यहाँ पर मौजूद है, इस तरह से स्टैंड हो। जी इसके अंदर आप दो पैनल बड़े वाले आसानी के साथ रख सकते हैं। जी चला जी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जुबैर भाई ने, बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर भाई। ये थी मेरी आज की वीडियो इन्वर्टर के हवाले से, और इसमें सारी डिटेल आपको बता दी गई है कि कौन सा इन्वर्टर कितने साइज का, कितने पावर का, कौन से पैनल में लगता है, कितने वॉट के पैनल में लगता है, ये सारी चीजें डिटेल मेरी इस वीडियो में आज की मौजूद थी। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अनलिमिटेड सरप्राइजेस को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती है इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।